हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी कि आप लोगों को समर ड्रिंक्स की रेसिपी चाहिए कि नहीं, तो उनमें से ऑलमोस्ट 90% वोट यस आया था। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के कहने पे 3 समर ड्रिंक्स की रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए देर न करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्किप न करके फुल वॉच कीजिए। तो फर्स्ट रेसिपी है गुड़ वाले शरबत की। इसके लिए मैंने लिया है 1/4 के करीब गुड़। अब लीजिए एक फुल नींबू का रस, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून काला नमक, 10 से 11 पुदीना पत्ता और गार्निशिंग के लिए एक पतला नींबू का स्लाइस। अब ग्राइंडर में गुड़ को डालें, फिर नींबू का रस, काला नमक, चाट मसाला, पुदीना पत्ता और आधा ग्लास के करीब पानी डालें। फिर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। देखिए मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब ग्लास या जार लीजिए और मिक्सचर को छान लीजिए। आप लोग यहाँ पे गुड़ और पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 ग्लास के हिसाब से ये बनाया है। अब बहुत सारे आइस क्यूब्स डालें। अब ग्लास को और सुंदर दिखाने के लिए एक नींबू का स्लाइस से गार्निश कर लीजिए। हमारा गुड़ का शरबत एकदम रेडी है। देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया है और इसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा गन्ने वाला जूस की तरह भी लग रहा है। तो इस गर्मी में शरीर को ठंडा रखने के लिए गुड़ का शरबत जरूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है ग्रेप्स मोहितो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप अंगूर। इसे मैंने अच्छे से धो के फ्रिज में रख दिया था। अब एक ग्राइंडर में अंगूर को डाले। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे इसको ग्राइंड कर लिया है। अब एक ग्लास या जार लीजिए। अब छन्नी से अच्छे से इसे छान लीजिए। यहाँ पे आप लोग चाहे तो बिना छान के भी इसे यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने अच्छे से इसे छान लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून हनी ऐड करें। आप लोग हनी के जगह पे पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। फिर 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून काला नमक डालें। अब इसमें 1/2 नींबू का रस डालें और सब कुछ अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें मेन इंग्रेडिएंट सोडा वाटर ऐड करें। अब भर के आइस क्यूब्स डालें। लास्ट में एक पुदीना पत्ता और अंगूर से गार्निश करें। तो हमारा ग्रेप्स मोहितो एकदम रेडी है। घर पे इस ड्रिंक को जरूर बनाइए और सबके साथ एंजॉय कीजिए। और सोडा वाटर तो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट को साफ भी रखता है। नेक्स्ट ड्रिंक की तरफ चलते हैं। आज की लास्ट रेसिपी है पाल्स मोहितो की। मैंने यहाँ पे 2 ग्लास के हिसाब से 8-10 पाल्स कैंडी लिया है। आप लोग चाहे तो यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं। अब एक ग्राइंडर लीजिए और कैंडी को इसके अंदर डाले। मैंने सारे कैंडी को पैकेट से निकाल लिया है। चलिए आप इसे ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए ऐसे कैंडी का पाउडर आपको बना लेना है। अब एक प्लेट में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और काला नमक डालें और अच्छे से दोनों चीजों को मिला लीजिए। एक ग्लास या जार लीजिए। अब ग्लास के मुंह वाले पोर्शन में नींबू लगा लीजिए। अब उस पोर्शन को लाल मिर्च वाले मसाले से कोट कर लीजिए। आप लोग चाहे तो यहाँ पे मसाले वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अब 2-3 चम्मच कैंडी पाउडर डालें। अब इसमें डालें स्प्राइट।
अच्छे से मिला लीजिए। लास्ट में डाले आइस क्यूब्स। गार्निशिंग के लिए पुदीना पत्ता और नींबू का स्लाइस ऐड करें। तो हमारा पल्स मोहितो एकदम रेडी है। घर पे इसे बनाकर बच्चों को दीजिए और मजे से एंजॉय करेंगे। तो आज की ये तीन तरह के समर ड्रिंक्स की रेसिपीज आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।